नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेप 2 के तहत मंगलवार सुबह 8 बजे से कई पाबंदियां लगाने का निर्देश दिया। अब दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लागू हो गई है। सोमवार को दिल्ली का औसत AQR 310 दर्ज किया गया। सिनवार की मौत के बाद हमास का नेतृत्व 5 सदस्य समिति करेगी। समिति के सभी वर्तमान सदस्य कतर में स्थित हैं। एक सूत्र ने जानकारी दी है कि समिति में दोनों फिलिस्तानी क्षेत्रों और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। आज यानी मंगलवार से ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा। रूस की अध्यक्षता में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रूस के शहर कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होने की उम्मीद है। यूपी के बुलंदशहर में सोमवार को घर में मरीज को लगाते समय ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान गिर गया। हादसे में दंपति, 2 बेटे, 1 पुत्र व 1 नातिन की मौत हो गई। 10 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। कौंदरपल में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा बलों के बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और खोजी श्रानों की मदद ली जा रही है। LG मनोज सिन्हा ने बताया कि हमले के दौरान आतंकियों ने नकाब पहना हुआ था। हमले की जांच DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज को सौंपी गई है। सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव के नामांकन में सोमवार को सिफई कुनबा कलेक्टर पहुंचा। अखिलेश यादव के साथ परिवार के 3 पीढ़ियों की मौजूदगी ने एकजुटता दिखाई। राजनीति से दूर रहने वाले मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभय राम यादव भी पहली बार नामांकन के दौरान मौजूद दिखे। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। सूची में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल हैं। बिहार के बाहर के केवल 4 नेताओं को सूची में जगह मिली है। 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता व वर्तमान में भाजपा विधायक त्रिभुवन राम से भी पूछताछ करने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने नोटिस जारी कर उन्हें दीपावली से पूर्व पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी खनन घोटाले में अपनी छानबीन तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उन्नाव में एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं ने मंदिर निर्माण का विरोध किया। उनका कहना है कि मंदिर की घंटी बजने से उन्हें दिक्कत होगी। महिलाओं के इस बयान से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। वहीं जिस परिवार ने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, उत्पीड़न किए जाने के बाद लखनऊ में रहने लगा है। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के सभी उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इस बीच पुणे ग्रामीण पुलिस ने सोमवार को 5 करोड़ रुपए नगद जब्त किए। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।